क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या किसी पेशेंट को ऐसे देखा है कि जिसके स्किन पे जैसे फिश के स्केल्स होते हैं वैसी स्किन हो गई है, बहुत ड्राई हो गई है, इतनी हार्ड हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि ये तो पत्थर बन गई है, ये तो स्किन बची नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि ये जो स्किन कंडीशन होती है ये एथायोसिस वल्गैरिस होती है। इस स्किन कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो स्केली इरप्शन बना देती है या स्किन हमारी स्केली इरप्शंस दिखती है, जैसा फिश के स्केल्स दिखते हैं ब्रिक ब्रिक ब्रिक, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आपको स्किन का प्रतीत होने लग जाता है। स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि वो आपको लगेगी नहीं कि स्किन है, बहुत ही हार्ड हो जाएगी और बहुत ही ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, और ऐसे में आप इलाज ढूंढते रहते हैं और आपको इलाज नहीं मिलता है। हम एक पेशेंट का वीडियो भी शेयर करेंगे जिन्होंने हमारा इलाज लिया है, तकरीबन एक महीना, काफ़ी रिलीव्ड है, स्किन उनकी क्लियर हो गई है जो ब्लैक थी, उनका फीडबैक शेयर करेंगे कि ऐसी बीमारियों का भी इलाज होता है। बट अब पहले समझेंगे कि एथायोसिस वल्गैरिस बेसिकली क्यों हुआ या कैसे हो गया। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है या डिसऑर्डर होता है, जब आपका कोई भी जीन म्यूटेट कर जाए, फॉर एग्जाम्पल जीन म्यूटेशन चलती रहती हैं और वो जीन म्यूटेट कर गया और वो जीन म्यूटेट करा जो आपके स्किन सेल की डिफरेंशिएशन करके उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था, अब वो म्यूटेट कर चुका है, अब वो म्यूटेट करने के बाद आपको स्केली जैसे पूरी बॉडी बना देगा और इतनी हार्ड और इतनी थिक बना देगा कि आपको शायद वो ईट जैसा या कुछ बहुत हार्ड सरफेस फील होगा, स्किन आपको नॉर्मल नहीं दिखेगी, ब्लैकिश हो जाएगी, ड्राइनेस होगी और पेन और इचिंग भी पेशेंट में देखने को मिल जाती है। अब बात ये होती है कि हमें ये कभी दिखा कब या कैसे दिख गया या ये कब हो सकता है। ये जब हम पैदा होते हैं उनके कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ही हमें ऐसी स्किन दिखना शुरू हो जाती है, तो हम कॉन्जेनाइटल नहीं बोल सकते, बट हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, जो भी पेशेंट इस चीज़ से पैदा हो रहा है वो साथ ही लेके पैदा हो रहा है। ऐसा कोई डिसीज़ नहीं है कि ये बाद में ऐसी हो गई या बाद में आपको कभी लेटर ईयर्स में दिख रही है, ये आपको पैदा होने के कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद दिखना शुरू हो जाती है। सिम्टम्स जैसे मैंने बताए, इतनी हार्ड और स्केली स्किन हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी और समटाइम आपको पेन भी फील हो जाता है। आप ट्रीटमेंट लेके थक चुके होंगे बट आपको इलाज नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए डॉक्टर हेल्थ आपके लिए इलाज लाया है एथायोसिस वल्गैरिस का। एटलीस्ट जो ड्राइनेस है, जो बहुत हार्ड स्किन है उसको वो कंट्रोल करेगा, जो आपकी डेड स्किन झड़ी नहीं रही है वहीं पर एक्यूमुलेट होती जा रही है और हार्ड सर्फेस होता जा रहा है उसको वो कंट्रोल करेगा, और ब्लैकनेस जो हो रही है उसको वो हटाएगा। तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप ये मत सोचिएगा कि इसका इलाज नहीं है, क्योंकि फीडबैक हम शेयर कर रहे हैं पेशेंट का जो 10 दिन में ही बेटर होना शुरू हो गई और महीने भर में काफ़ी ठीक है। आप खुद उनका जब इमेज देखेंगे या वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि इनकी स्किन काफ़ी क्लियर है। मैंने डॉक्टर हेल्थ से अपना मेडिसिन स्टार्ट की थी, उन्होंने मेरा स्किन देखा, मेरी स्किन इतनी ड्राई थी, इतनी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, इतनी सिकुड़न थी, हाथों पैरों और चेहरा भी ब्लैक ब्लैक था, और ज़्यादा दिन नहीं हुआ दवाई लगाते हुए 10 दिन में रिजल्ट मुझको दिखने लगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखा। अभी तो 1 मंथ भी नहीं हुआ, इतना क्लियर स्किन हो गया मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले स्किन, जब भी मैं अपना हाथ पैर देखती थी बहुत शर्म आता था मुझे, मेरा ये चेहरा है बहुत क्लीन हो गया है। तो आप सही ट्रीटमेंट से, सही गाइडेंस से और सही लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपना एथायोसिस ठीक कर सकते हैं या एटलीस्ट उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपके जो सिम्टम्स हैं, जो ड्राइनेस है, जो हार्डनेस है, या फिर जो पेन है, जो इचिंग हो रही है, उसको आप कंट्रोल कर लें, ब्लैकनेस को कंट्रोल कर लें। और इतना भी अगर हो पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, मुझसे मिलने आएँ और अपने एथायोसिस को ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।